तो नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जो लेकर के हैं ये हमारे पास आईफोन का 11 प्रो मोबाइल फ़ोन है। और इस 11 प्रो मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर टच नॉट वर्किंग, मतलब टच नहीं काम कर रही है। टच नहीं काम कर रही तो इसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, उसका तरीका हम लोग जानने वाले हैं। पासवर्ड क्या है इसका? इसके अंदर टच की प्रॉब्लम आई, तो टच की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ठीक करेंगे? देखिए, अगर हम किसी कॉल को उठाते हैं तो कोई कॉल भी नहीं उठा पा रहे हैं, ये टच काम नहीं। क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्क्रीन क्या होगा? डैमेज। तो हमको स्क्रीन को सही बचाना है कि डैमेज करना?
भाई आज हमारा माइक बार बार बंद हो रहा है, तो आपको वीडियो ना मिले तो उसके लिए पता तो, लेकिन हमारे हैंड डिस्प्ले को पूरा देखते रहें। आप फोन को हम क्या करें, मोबाइल फोन कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए इसे, डायरेक्टली बनाइए। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा खुल जाएगा। फोन को हमने स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑफ करते समय आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल फ़ोन को पूरा ओपन करना है। क्या करना है, ओपन करना है। सबसे पहली बार उन चीज़ों को ओपन करना है जो फ्लिप पत्ता है, जो हमारा कसा हुआ है। इसके लिए आईफोन के अंदर जो स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं वो भी हमारा स्पेशल टाइप का होता है। ये देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं। तीन काने का होता है, तीन कट का होता है। ये हमने स्क्रू को खोल दिया। फिर हमने स्क्रू को ओपन किया। स्क्रू ओपन करने के बाद ये हमारा हट गया। अब यहाँ पर जितने सारे छोटे छोटे पत्ते हैं, ये सारे पत्ते को रिमूव कर देंगे, क्योंकि इन पत्तों के सहारे से आपकी बैटरी लगी है। जैसे आप दोस्तों आप इसे लगा देंगे तो आपके बैटरी की सप्लाई क्या हो जाएगी, मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आपकी बैटरी सप्लाई मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे के जो पत्ते लगे हुए हैं उन पत्ते को क्या करना है, ओपन करना है। इस पत्ते के खोलने के लिए हमको सबसे पहले बात भैया, इसके नीचे की एक और ट्रे लगी, उसको भी खोलना पड़ेगा। हम लोग इस ट्रे को खोल लेते हैं। आईफोन के जितने स्क्रू खोलेंगे उन स्क्रू का आप ध्यान रखेंगे, कौन सा स्क्रू कहाँ पर खोल रहे हैं, कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, कैसे उसको ला रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर तुमने भैया उल्टा सीधा काम किया तो वो फिर स्क्रू दोबारा कहाँ से लाओगे, उसको फिट कैसे करोगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, सारे स्क्रू हम लोग धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं। इसमें तीन काने के स्क्रू लगे होते हैं, मतलब तीन कट होते हैं। सब में एक दो होते हैं, इसमें तीन कट होते हैं। यही इसके अंदर सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। और हम लोग इसकी ट्राली को ओपन करेंगे। जब इसकी ट्राली ओपन हो जाएगी, ट्राली ओपन होने के बाद हमारा ये बाहर निकल जाएगा फ्रेम से। अब हमारा ये काम्बो जो है ये पैनल से बाहर आ चुका है। अब इसमें से एक हमारा जो टच होता है, एक हमारा क्या होता है, एलसीडी होता है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, टच को चेंज करना है। किसको चेंज करना है दोस्तों, टच को चेंज करना है। अब हम लोग मार्केट से टच लेकर के आएंगे, टच लाने के बाद फिर हम लोग इसमें से चेंज करेंगे, ठीक है। उसका मैं आपको तरीका पूरा समझाने वाला हूँ। ये जो जाली लगी, इस जाली को खोल के बाहर कर लें। देखिए आपकी जाली बाहर आ गई। हम लोग इसको क्या करेंगे, सेफ्टी से साफ कर लेंगे। इसको हम लोग सेफ्टी से साफ कर लेंगे, अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, जिससे हमारा जो वायर चलेगा तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। इसको हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से साफ कर लेंगे। जब ये साफ हो जाएगा तो हमको इसकी कटिंग करनी है। क्या करनी है, कटिंग करनी है, मतलब हमको इसको सेपरेट करना है। डिस्प्ले टच से दोनों को क्या करना है, अलग अलग करना है, साफ करना है। साफ करने के बाद फिर इसको मोबाइल फ़ोन में से फिट करेंगे। फिटने के लिए हम लोग बोर्ड को अलग रखे हैं, ये हमने फ़ोन को अलग रख दिया, ये हमने पैनल को अलग रख दिया, इसका बेस है इसको अलग कर दिया, ये ब्लेड रबर। अब हम लोग यूज़ करेंगे कटिंग वायर का। किसका यूज़ करेंगे, कटिंग वायर का, जिसके सहायता से आप लोग इसकी कटिंग करने वाले हैं। इसकी रबड़ का है, हम लोग इसकी ग्लास की कटिंग करने वाले हैं।
धीरे धीरे करके पूरे कॉम्बो की कटिंग करेंगे। सर ये पेपर डिस्प्ले होती है ना, इसको इसके बगल में रखूंगा। ये हमारा ग्लास निकल करके लगा गया।
एलसीडी को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। एलसीडी को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से साफ करना है, ताकत नहीं लगाना है, प्रेशर लगा दोगे तो टूट जाएगी। अब हम लोग इसको फाइनली चेक करने वाले हैं कि हमारा टच प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर उसके बाद फिटिंग कर देंगे।